तो क्या हो अगर आपको स्पॉन कर दिया जाए कि ऐसे वर्ल्ड पे जहाँ चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान है और आपको बिताने हो ऐसे ही वर्ल्ड पे पूरे 100 डेज। माइनक्राफ्ट के अंदर 100 डेज बिताना वो भी डेजर्ट बायो में कुछ खास मुश्किल बात नहीं है, बट क्या हो अगर वही वर्ल्ड हार्डकोर का हो। तो ये आज मैं और मेरे दोस्त सर्वाइव करने वाले हैं ऐसे ही सुनसान वर्ल्ड में पूरे 100 डेज। तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे माइनक्राफ्ट हार्डकोर डेजर्ट ओनली वर्ल्ड वो भी पूरे 100 डेज, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो डे वन पे स्पॉन होते ही सबसे पहले हम कुछ स्टिक्स कलेक्ट करने लग गए। उसके बाद हमें विलेज भी ढूंढना था क्योंकि स्टिक्स तो यहाँ अनलिमिटेड थी बट वुड यहाँ पे एक भी नहीं थी, इसलिए सबसे पहले हम कुछ स्टिक्स कलेक्ट करने लग गए और फिर चले गए सीधा विलेज की खोज में। विलेज ढूंढते वक्त हमें एक रूइन पोर्टल मिला और फिर हम सीधा उसको अपने हाथों से ही उसके ब्लॉक्स तोड़ने लगे और फिर काफ़ी देर तक ऐसे ही ब्लॉक्स तोड़ते रहे और फाइनली हमें उसकी चेस्ट भी मिल गई जिसके अंदर कुछ खास सामान तो नहीं था बट अभी के लिए काम में आ सकता था। हमें कुछ गोल्ड की बूट्स मिली जो कि तीन ही थी और हम तीनों के पास एक एक गोल्ड के बूट्स आ गए थे। फिर हम सीधा वापस निकल गए विलेज ढूंढने के लिए और फिर फाइनली हमें विलेज दिख चुका था। और विलेज में जाते ही सबसे पहले हम हेबिल कलेक्ट करने लग गए क्योंकि फूड के बिना सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। फिर कुछ हेबल कलेक्ट करने के बाद मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल दिखता है और मैं सीधा उन हेबल से फटाफट अपने लिए एक ब्रेड बना लेता हूँ। और फिर काफ़ी रात भी हो चुकी थी तो मैं उस विलेजर को साइड करता हूँ और सो जाता हूँ और इसी तरह हम सर्वाइव कर लेते हैं अपना फर्स्ट डे। उठते मुझे एक गोलेम दिखता है और फटाफट से हम उस गोलेम को हिट करके अपने अपने लिए ऊपर ब्रिज कर लेते हैं क्योंकि इसी से हमें जो है आयरन मिलने वाला था और अपने लिए एक आयरन की पिकेक्स भी बनने वाली थी। तो हम तीनों मिलके उस गोलेम को मारने लग जाते हैं। और उस गोलेम को मारने के बाद हमें मिलते हैं कुछ चार आयरन के इंगट जो कि सफिशिएंट थे अपने लिए एक आयरन की पिकेक्स बनाने के लिए। तो फटाफट से हम अपने लिए एक आयरन की पिकेक्स बनाते हैं जिससे कि फिर हमें स्टोन्स भी माइन करने थे, बिना उसके कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर फटाफट से हम आ गए थे स्टोन माइनिंग करने के लिए और फिर हम लग गए स्टोन माइन करने। और फिर थोड़ी देर तक स्टोन्स कलेक्ट करने के बाद हमारे पास सफिशियंट स्टोन्स भी हो चुके थे अपने लिए स्टोन के टूल्स बनाने के लिए। तो हमने फटाफट से अपने लिए स्टोन के टूल्स बना लिए और फिर हम आगे सीधा आयरन माइनिंग के लिए क्योंकि अपने लिए कंप्लीट आयरन आर्मर जब तक नहीं आता तब तक हम इस गेम के अंदर सेफ नहीं थे। और फिर काफ़ी देर तक आयरन माइनिंग करने के बाद हमारे पास इतना आयरन तो आ चुका था जिससे कि हम अपने लिए कंप्लीट आयरन आर्मर और टूल्स तो बना लें। तो हमने फटाफट से उनको फर्नेस में रखा और स्मेल्ट होने रख दिया और उसके बाद उन आयरन के टूल और आर्मर भी बना लिए थे। तो गाइस अब हमारे पास कंप्लीट आयरन आर्मर तो आ चुका था बट अब बारी थी अपने लिए घर बनाने की। तो हम बिना किसी देरी करे सबसे पहले अपने लिए घर बनाने का रिसोर्स कलेक्ट करने लग जाते हैं।
और गैस फिर इसी तरह हमारा घर भी बन चुका था। हाँ मुझे पता है ये मिट्टी के डब्बे जैसे दिख रहा है, बट डेजर्ट के अंदर इससे ज़्यादा क्या ही बना सकते थे। तो आप लोग बताना कैसा लगा, नॉर्मल सा है, सिंपल सा घर है, बस ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं इसके अंदर बस। अब अपना घर भी जो है बन के तैयार हो चुका था, बट अब बारी थी अपने लिए फुल डायमंड आर्मर बनाने की। तो उसके लिए हम आ जाते हैं एक केव के अंदर और लग जाते हैं डायमंड माइनिंग पे। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे अपने पहले डायमंड भी मिल जाते हैं और फिर इसी तरह हम लग जाते हैं डायमंड माइनिंग के लिए। डायमंड माइन के दौरान मुझे कुछ लाल पत्थर दिखते हैं। हाँ मुझे पता है ये यूजलेस थे, बट फिर भी मैं इन्हें माइन कर लेता हूँ पता नहीं क्यों। फिर वापस लग जाता हूँ डायमंड माइनिंग के लिए। और फिर बस इसी तरह काफ़ी देर तक डायमंड माइनिंग करने के बाद अब हमारे पास मोर देन एनफ डायमंड भी हो चुके थे अपने लिए पूरा डायमंड आर्मर और टूल्स बनाने के लिए। तो हम फटाफट से अपने लिए फुल डायमंड आर्मर और टूल्स बना लेते हैं और फिर सड़े से आयरन आर्मर को फेंक के पहन लेते हैं कंप्लीट डायमंड आर्मर। और फिर हम तीनों के पास आ चुका था कंप्लीट डायमंड का आर्मर। बस अब बारी थी तो वो थी ड्रैगन को मारने की। लेकिन हमारे पास काफ़ी कम फूड था तो हमने फैसला किया कि एक विलेज ढूंढा जाए और उससे सबसे पहले कुछ हेबल कलेक्ट की जाए। तो थोड़ी बहुत देर ढूंढने के बाद हमें एक विलेज तो दिख जाता है और उसके बाद सीधा हम चले आते हैं उस विलेज के अंदर और फिर थोड़ी बहुत हेबल भी कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे फिर हम अपने लिए थोड़े कुछ ब्रेड्स बना लेते हैं। उसके बाद विलेज के पास में हमें एक रूइन पोर्टल दिखता है, जिससे हमने और मेरे दोस्त ने एक एक गोल्ड के ब्लॉक कलेक्ट कर लिए थे और उस चेस्ट के अंदर कुछ खास सामान नहीं था, बट फ्लिंट एंड स्टील हमारे काम आ सकती थी। तो अब हमारे पास सफिशियंट फूड भी आ चुका था और अब बारी थी नेदर पोर्टल बनाने की। और हमें सामने एक लावा पूल दिखता है तो हम सीधा उस पर नेदर पोर्टल बनाने लग जाते हैं। और काफ़ी सालों बाद फाइनली हमें वुड के दर्शन भी होते हैं और जिससे कि मैं अपने लिए एक शील्ड बना लेता हूँ, बाकी कुछ काम की चीज़ें नहीं थी। और फिर सीधा चले जाते हैं हम नेदर फोर्ट्रेस की तरफ। और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद हमें फाइनली नेदर फोर्ट्रेस भी दिख जाता है, जिसके अंदर हम सीधा चले जाते हैं और हमारे स्वागत के लिए एक ब्लेज भी वहाँ खड़ी हुई थी, जिसे हम बहुत बुरी तरह मारते हैं। और बस इसी तरह थोड़े बहुत ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने लग जाते हैं। और थोड़ी बहुत देर ब्लेजेस को मारने के बाद हमारे पास काफी सारी ब्लेज रॉड्स भी आ चुकी थी और फिर हम सीधा आ गए बैशिन की तरफ, क्योंकि हमें कुछ गोल्ड के ब्लॉक्स भी चाहिए थे जिससे कि हम ट्रेड करके अपने लिए एंडर पर्ल्स ले सकते हैं। और उसके बाद मुझे सामने ही एक चेस्ट दिखती है जिसमें कि एक फॉर्चून 3 की डायमंड पिकेक्स मिली थी, जो कि काफ़ी बढ़िया बात थी, बट हाँ मुझे कुछ काम में वो नहीं आई थी एक्चुअल में। और उसके बाद हम कुछ गोल्ड के ब्लॉक्स भी कलेक्ट करने लग गए। और फिर उन्हीं गोल्ड ब्लॉक्स को गोल्ड इंगट में कन्वर्ट करके कुछ ट्रेडिंग भी करने लग गए। और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमें कुछ एंडर पर्ल्स मिली, जो कि काफ़ी थी, बट हाँ उसके बाद भी हमने और ली थी। और फिर हम सीधा आ गए ओवरवर्ल्ड में। और फिर ओवरवर्ल्ड में आते ही मैंने ब्लेस पाउडर कुछ एंडर पर्ल्स से कुछ आई ऑफ एंडर भी बना ली थी और फिर जैसे ही हमने आई ऑफ एंडर को थ्रो किया, वो जस्ट हमारी पीछे वाली लोकेशन पे जा रही थी और फिर हम सीधा वही लोकेशन फॉलो करने लग गए। और हाँ पहली आई ऑफ एंडर टूट गई। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा।
और फाइनली काफ़ी देर तक आई ऑफेंडर थ्रो करके देखने के बाद फाइनली एक आई ऑफेंडर हमारी नीचे जा रही थी, और इसे फिर हम समझ में आ गया था कि अब स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है नीचे ही है, तो फिर हम सीधा नीचे टिक करने लग गए। और फाइनली हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल चुका था, और अब ये वो घड़ी थी जब एंडर ड्रैगन का अंत निकट था, और फिर थोड़ी बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे एंड पोर्टल भी मिल चुका था। और फिर एंड पोर्टल मिलते ही मैंने सबसे पहले एक स्पोनर तोड़ा, और उसके बाद पोर्टल को लाइट अप करना भी शुरू कर दिया। और इस बार भी हमारे पास एक आई ऑफेंडर कम पड़ गई, बट हमारे पास ऑलरेडी उसका सामान था बनाने का, तो मैंने सबसे पहले ब्लिस पाउडर और एंडर पल से एक आई ऑफेंडर बना ली, और वो पोर्टल को कंप्लीट लाइट अप भी कर दिया। और अब पोर्टल को लाइट अप करके हम सीधा अंदर चले आते हैं एंड में, और आप एंजॉय करो हमारी और एंडर ड्रैगन की फाइट को। और इसी तरह हमने फाइनली सरवाइव कर लिए थे पूरे 100 डेज माइनक्राफ्ट हार्डकोर में, और ड्रैगन को भी बीट कर लिया था। गाइस उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। ऐसी वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो ये सब आप अपना भी सपोर्ट दिखाओ, और फिर मिलते हैं आप लोगों से ऐसे धमाकेदार वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।